अच्छा लग रहा है देख के कि सच में क्या इतना फेमस हो गया, क्या मतलब लोग इतना प्यार दे रहे हैं। चलिए मे बी अगर डिमांड कर रहे हैं तो आगे कुछ प्रोजेक्ट में ज़रूर मौका मिलेगा तो साथ काम करेंगे हम। हम ऐसी हैं रियल लाइफ में, मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, तो शायद हम स्टार बनने के बाद भी हम वो सब करेंगे जो मुझे अच्छा लगता है। हाय मनीषा, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस। जनसत्ता, फर्स्टली निकलने के बाद की अगर जर्नी पूछूँ तो अब कैसा लग रहा है आपको? जब आप घर के अंदर गए थे उसके बाहर जब आए हो दुगनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले ऐसा था कि हम फेमस थे बट बिहार में ज़्यादा फेमस थे, यहाँ मुंबई या फिर पूरे इंडिया में लोग मुझे इतना नहीं जानते थे। बट अभी निकलने के बाद जैसे मुंबई में भी हम कहीं जा रहे हैं, मॉल हो गया या फिर घर के बाहर लोग आ जा रहे हैं, मीडिया वाले पहुंच जा रहे हैं, घर पे कुछ फैंस पहुंच जा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि सच में क्या इतना फेमस हो गया, क्या मतलब लोग इतना प्यार दे रहे हैं। कोई मीडिया वाले घर के बाहर आके बोलते हैं 2 घंटे से वेट कर रहे थे, या फिर घर के बाहर कोई फैंस पहुंच जा रहे हैं फ्लावर्स लेके, तो अच्छा लग रहा है बहुत। राइट, एंड अगर मैं पूछूं अब वो जो है एल्विश के साथ आपका किस तरीके का रिलेशन है? बिकॉज एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई है जहाँ पे एल्विश को आपने कॉल किया था, वो कॉल की वीडियो भी जो है बाहर हो चुकी है, सो किस तरीके का अब इक्वेशन? अब हम अच्छे फ्रेंड हैं जैसे पहले थे, बट अभी वो भी बिजी है क्योंकि उसको भी बहुत सारा काम है, मुझे भी बहुत सारा काम है, तो इतना ज़्यादा बात नहीं हो पाया, लेकिन जितना भी बात हुआ है जब भी हुआ है तो बॉन्डिंग वैसा ही जैसे घर के अंदर था हमारा, मस्ती मजाक दोस्ती वाला। कुछ मिलने की प्लानिंग हुई है? कब मिलने वाले हो या फिर आप वहाँ जाओगे वो यहाँ आने वाले हैं, कुछ बात हुई है? अभी इस टॉपिक पे कोई बात नहीं हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा समझ रहा ना, वो भी अपने काम में, मुझे इवन मुंबई में इतने सारा काम अभी मेरा है, प्लस मुझे अभी बिहार भी जाना है, तो पहले ये कि ये सबसे जब सब कुछ हो जाएगा, थोड़े हम लोग ये सबसे थोड़ा फ्री हो जाएंगे तो मिलेंगे। राइट, एंड इसके अलावा बाहर आने के बाद किन किन से अब तक आप मिले हो और किससे नहीं मिले हो, ना मिलोगे? नहीं, ना मिलने वाला मुझे नहीं लगता कि अभी मेरे मन में ऐसा कुछ है, और मिले हैं अभिषेक से, मिले हैं आशिका से, मिले हैं आलिया दिलोक से, मिले हैं। ओके, एंड जिस तरीके की वेल जर्नी थी वो तो आप सबने देखी, एंड अब निकलने के बाद अगर बात करूँ तो टोनी कक्कर जी ने आपको गाना ऑफर किया था, उसके बारे में आगे कुछ बात बढ़ी है क्या कुछ और निकलने के बाद? हाँ, बातें चल रही है बट कुछ चीज़ें होती है जो हम अभी कह नहीं सकते, बट आपको पता चल जाएगा सोशल मीडिया में, ऑफकोर्स हम लोग डालेंगे ही जो भी होगा। राइट, एंड घर को आप कितना मिस कर रहे हो बिग बॉस के? क्या मिस भी कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो घर में जो था ठीक है, बट अभी बाहर जो घर से जो अब जनता भी हमारा, हमारे फैंस भी हमारे घर बन गए हैं, हमारा फैमिली बन गया, तो इनसे जो प्यार मिल रहा है ये देख के अच्छा लग रहा है। ओके, एंड एल्विश और आपका क्या कोई गाना सकता है? बिकॉज फैंस काफ़ी डिमांड कर रहे हैं उनको, आप दोनों को एक साथ देखना है। चलिए मे बी अगर डिमांड कर रहे हैं तो आगे कुछ प्रोजेक्ट में ज़रूर मौका मिलेगा तो साथ काम करेंगे हम। ओके, क्या एल्विश के अलावा और किसके साथ आप काम करना चाहोगे? एल्विश, अभिषेक, आशिका, जैड, ये सबके साथ जब भी मौका मिलेगा करेंगे काम। ओके, एंड जैसे कि अभी आपने कहा कि निकलने के बाद डेफिनेटली पॉपुलैरिटी बढ़ी है, आप काफ़ी एंजॉय कर रहे हो, लेकिन इसी के साथ अगर मैं पूछूँ कि इतना जो लोग प्यार कर रहे हैं, आपके डैड ने भी आपको काफ़ी सपोर्ट किया था घर के अंदर भी एंड इनफैक्ट बाहर भी, लेकिन ये जो एल्विश को आपका दामाद का जो था मुद्दा वो तो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, तो निकलने के बाद क्या पापा से इस टॉपिक पर कुछ बात हुई? नहीं, बिल्कुल इस टॉपिक पे कोई बात नहीं है क्योंकि पापा को भी पता है कि हम ऐसे मजाक करते हैं मस्ती में, ऐसा कुछ नहीं है कि अब दामाद बोले तो दामाद बना ही लेंगे, बोलने और करने में बहुत फर्क होता है। कुछ लोग होते हैं जो बस कह के बस रह जाते हैं, करते कुछ नहीं है। ओके, एंड वेल जैसे कि अभी आपने कहा कि आप लोगों की दोस्ती तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर मैं ऑफर्स की बात करूँ तो क्या दोबारा से अगर खतरों के खिलाड़ी ऐसा कुछ ऑफर हुआ या अगर टीवी वाला बिग बॉस ऑफर हुआ तो क्या आप वो करना पसंद करोगे? बिल्कुल करेंगे, अगर आया तो थोड़ा सोच के करेंगे लेकिन करेंगे। ओके, तो कौन सा करना पसंद करोगे, खतरों के खिलाड़ी या अब बिग बॉस वापस? अगर इन दोनों में चुनना पड़ा तो फिर बिग बॉस ही चुनेंगे। खतरों के खिलाड़ी नहीं? खतरों के खिलाड़ी थोड़ा मुझे लगता है कि मेरे लिए टफ हो सकता है क्योंकि फिजिकली हम थोड़ी फिट नहीं है, जैसे मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को सोच के, वरना अगर ऐसे मौका मिला तो हम वो भी कोशिश करेंगे करने का, लेट्स सी क्या कब क्या होता है। राइट, एंड बिग बॉस के घर से निकलने के बाद अगर मैं आपको पूछूं आपके पर्सनालिटी में कितने चेंजेस आए हैं जो आपने नोटिस किया, क्योंकि घर पे बिना फ़ोन इतने दिन तक रहना कहीं ना कहीं वो जो है पूरा चीज़ें आपको स्टार्ट से करना पड़ता है, सो निकलने के बाद कि क्या क्या आपने ऐसे नोटिस किया कि पहले आप वैसे थे घर के अंदर जाने के बाद और आने के बाद आप चेंज हुए हो? नहीं, मुझे लग रहा है कि आने के बाद फिर वही सब हरकत चालू हो गया, कुछ चेंज नहीं आया, क्योंकि लोग बोलते हैं ना सिचुएशन के साथ ढल जाते हैं,
तो कहीं ना कहीं बिग बॉस में थे तो बिग बॉस के अकॉर्डिंग ढल गए थे. बट अभी सब बट ये है कि लाइफ में अभी ऐसा है कि हाँ बहुत काम करना है, काम पे फोकस करना है, जितना नाम मिला है उसको लेके चलना है और इससे ज़्यादा बनाना है. बिल्कुल. फैमिली कितनी प्राउड है, क्या कुछ कहा घर वालों ने जब आपकी वापसी हुई है तब? घर वाले बहुत खुश है, बहुत मतलब अब तो ऐसा हो गया कि जितने भाई हैं बहन हैं सब बस इसी मेरे ही दुनिया में बिजी हैं. उन लोग को हज़ार मैसेज आता है, कॉल आता है, सब बहुत खुश हैं. और मनीषा, हम देखते हैं कि लोग जो है बिग बॉस से निकलने के बाद गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, लेकिन आप अभी भी ऑटो से ही घूम रहे हो, तो क्या कहना है आपको इसके ऊपर, आपने गाड़ी क्यों नहीं ली? आज ही शायद मेरा कोई ऑटो वाला वीडियो बाहर आया था और उसमें लोग कुछ ऐसे निगेटिव भी कमेंट कर रहे थे, जैसे क्योंकि हम बहुत मुँह फट हैं, जो सोचते नहीं बोलने से पहले, कहीं ना कहीं शायद ये समटाइम मेरे लिए प्लस माइनस पॉइंट भी हो जाता है कि हम अच्छा है कि दिल का बात नहीं रखते, बट कभी कभी शायद हम जब नहीं सोच के बोलते तो लोगों को लग जाता है कि ये ओवर कर रही है या ओवर एक्टिंग कर रही है. बट ऐसा बिल्कुल नहीं. जैसे आज मैंने, जैसे सब मुझे बोल रहे थे अरे मैम आप गाड़ी गाड़ी से क्यों नहीं घूम रहे हैं, ऑटो से क्यों घूम रहे हैं, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि अरे हम फेमस हुए हैं लेकिन रातों रात करोड़पति तो नहीं बन सकते ना. और मेरा मानना है जैसे कि खरीदने का कार्य हम आज का आज खरीद लें, ऐसे पैसे आ रहे हैं, चीज़ें आ रहे हैं, लेकिन उसका भी बहुत सारा प्रोसेस होता है. आपको लोन लेना पड़ता है या फिर आपको देखना पड़ता है, और लाइफ अभी इतना बिजी चल रहा है कि कार लेने के लिए भी आपको प्रॉपर टाइम निकाल के जाना, देखना और कुछ. तो मेरा ये मानना है कि मुझे अगर हम ऑटो में घूम रहे हैं तो मुझे इस बात का शर्म नहीं है या जो भी नहीं, ठीक है अगर हम फेमस हो गए तो क्या फेमस लोग ऑटो से नहीं घूम सकते हैं. और मुझे ऑटो से घूमना अच्छा लगता है क्योंकि मुझे कार वार, मुझे हमेशा खुले आसमान के नीचे, मुझे ये सब अच्छा लगता है. हम पहले भी कैब और ऑटो में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हम मेरे को ऑटो में घूमना अच्छा लगता है. तो हम सिर्फ स्टार थोड़ा मेरा नाम हो गया तो उसकी वजह से हम अपना पसंद का चीज़ करना छोड़ दें और लोगों का इसमें कहना कि ये सिंपथी गेन कर रही है या फिर इसको लोगों को दिखाना है, पर मेरा ये मानना है कि नहीं, हम ऐसी है रियल लाइफ में, मुझे ये सब करना अच्छा लगता है. तो शायद हम स्टार बनने के बाद भी हम वो सब करेंगे जो मुझे अच्छा लगता है. और ठीक है जिस दिन मेरे पास कार आएगा उस दिन बहुत जल्द आएगा कि जिस दिन मेरे पास कार भी आएगा, लेकिन रातों रात सिर्फ दिखाने के लिए अब हम सुपर स्टार बन गए आज का आज कार खरीद ले, ऐसा नहीं हो सकता. और आई एम हैप्पी, हम ऑटो में घूम के भी खुश हैं और जब कार आएगा तो आ जाएगा वो भी. बिल्कुल. वेल लास्टली यही मेरा अगला सवाल था, इसी से एंड करूँगी कि ये जो ट्रोलर्स ट्रोल करते हैं ये कितना अफेक्ट करता है आपको, क्या आपको ध्यान देते हो या आपको हर्ट होता है या आप सोचते हो कि अभी जाने दो, अब आज की आदत डालनी है? नहीं, मुझे ऐसा ना कि मुझे 99% बहुत प्यार मिलता है लोगों से और मनीषा के फैंस इतने ज़्यादा पागल है मेरे लिए, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि मैंने देखा कि जब मेरे बारे में निगेटिव कुछ कमेंट आता है तो वो लोग तुरंत उस पर हम क्या रिप्लाई करेंगे वो लोग वैसे 100 रिप्लाई कर देते हैं कि अरे आपको नहीं पता है बेवकूफ़ मनीषा ये वो. तो फिर मुझे लगता है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, मेरे फैंस काफ़ी हैं मेरे लिए लड़ने के लिए. बिल्कुल. लास्टली फैंस के लिए मैसेज हो जाए. बस जैसे आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं, ऐसे ही प्यार करते रहिए और हम पे मरते रहिए और हम भी बस आप ही पे मरेंगे, आप ही से प्यार करेंगे. लव यू.